हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है नाइफ्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइफ्स, व्हाट आर दैट पार्ट्स ऑफ नाइफ एंड व्हाट इज़ द यूज ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ नाइफ। सो इम्पोर्टेंस ऑफ नाइफ्स टू ए शेफ कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इक्विपमेंट इन द किचन। सो नाइफ्स कम इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस एंड ईच इज मीन फॉर स्पेसिफिक यूज। दो सम नाइफ्स कैन बी यूज एज मल्टीपर्पज नाइफ्स। सो वन बाई वन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नाइफ्स। सो द फर्स्ट वन इज द ब्लेड। ब्लेड इज बेसिकली दिस ब्लेड इज यूजअली मेड अप ऑफ ए मेटल कंपाउंड विच इज कॉल्ड हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील, क्योंकि जो आपका स्टील है वो ईजिली जो जंग नहीं पकड़ता है। सो दैट्स वाई इट इज मेड फ्रॉम द कार्बन स्टेनलेस स्टील। It combines the property of carbon of being sharpened easily and the non-corrosive properties of steel. क्योंकि इसके पास जो है नाइफ के पास एक बहुत ही ईजिली शार्प होने वाली जो कार्बन की प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं, सो ईजिली हम उसको जो है शार्प कर सकते हैं। नॉन कोरोसिव होता है, उस पर जंग नहीं लगती है। सेकेंड पॉइंट इज द टिप। टिप इज द दैट द टिप ऑफ द नाइफ इज द पॉइंटेड एज वेयर द नाइफ ब्लेड एंड्स, यानी कि जो ब्लेड का एंड होता है वो होती है हमारी टिप, यानी कि आप हेड भी बोल सकते हो उसको नाइफ का। सो द टिप इज जनरली यूज फॉर स्कोरिंग पैटर्न्स एंड वर्किंग विद मीट्स और कार्विंग, यानी कि उसको स्कोरिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी कोई शेप देनी हो किसी फ्रूट्स को, कि हमें कुछ लाइक कुछ डिज़ाइन देना है फ्लावर टाइप में किसी फ्रूट्स को कट करना है, सो टिप का जो वो वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ द स्पाइन। स्पाइन इज द टॉप मोस्ट थिक एज ऑफ द नाइफ विच गिव्स स्ट्रेंथ टू द नाइफ। स्पाइन इज आप सपोज कर सकते हो जैसे ह्यूमन बॉडीज में होती है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, सेम थिंग इन द नाइफ कि जो आपकी स्पाइन होती है वो सपोर्ट करती है, क्योंकि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है बहुत ही थिक होती है और जो स्ट्रेंथ देती है नाइफ को एट द टाइम ऑफ कटिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द बॉल्स्टर। बॉल्स्टर इज द नाइफ, देयर इज अ कॉलर नॉन एज द बॉल्स्टर एट द पॉइंट वेयर द ब्लेड मीट्स द हैंडल, इट री इन्फोर्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए नाइफ, इट इज हेल्पफुल इन द ग्रिप ऑफ द नाइफ। बॉल्स्टर यानी कि जो आपका बीच का एक पोर्शन होता है ब्लेड के और आपका जो हैंडल होता है उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बॉल्स्टर बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी जो ग्रिप होती है ब्लेड की और हैंडल की उस ग्रिप को जो है ग्रिप बनाने में जो हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट वन इज द कटिंग एज। कटिंग एज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नाइफ विच शुड ऑलवेज बी शार्पन एंड हॉन्ड, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा उसको बहुत शार्प करके रखना है इन केस, क्योंकि आपकी जो एक फिनिशिंग होती है डिशेज की, फिनिशिंग होती है आपके कट्स की, वो क्लियरली नहीं आएगी अगर आपका जो नाइफ है वो शार्पन नहीं है, हॉन्ड नहीं है तो। नेक्स्ट वन इज द हैंडल। Handle is the, it should be easy to grip and should be non-reactive to most cleaning agents. यानी कि उस पर किसी भी cleaning agent का जो कुछ कोई भी reaction हो non-reactive जो है वो होना चाहिए। Different materials used to make handles are wood, plastic fibers or even metal. यानी कि जो बहुत ही different जो metals हैं कुछ भी बहुत सारी जो materials हैं उनको उनसे भी जो है handle बनता, आपका wood हो गया, plastic हो गया, metal हो गया। नेक्स्ट वन इज़ द टैंग, दैट इज़ द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द ब्लेड एंड एक्सटेंड इन टू ए नाइफ हैंडल, यानी कि जो आपका ब्लेड होता है और वो एक्सटेंड हो जाता है हैंडल में, उसके जो लोअर पार्ट होता है बीच में से अगर आप देखोगे जो आपकी जो ब्लेड है उसके बाद भी जो ब्लेड में भी हैंडल होता है पकड़ने के लिए एंड उसको जो है कवर करते हैं किसी वुडन से मेटल की हेल्प से नाइफ को, लेकिन बीच में उसमें स्पेस रह जाता है सो उसको जो है टैंग बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द रिवेट्स। दीज आर द मेटल फास्टनर्स द होल्ड द हैंडल एंड टैंक टुगेदर, यानी कि बहुत कुछ नट्स टाइप के कुछ होते हैं छोटे छोटे से एंड वो जो यूज़ किए जाते हैं उनकी ईजी ग्रिप के लिए, उनको हैंडल करने के लिए, आपका जो ब्लेड होता है और जो हैंडल होता है उन दोनों के बीच में ग्रिप बनाने के लिए। नेक्स्ट वन द टाइप्स ऑफ नाइफ। द फर्स्ट वन इज द शेफ नाइफ। शेफ नाइफ इज ऑल्सो नोन एज अ फ्रेंच नाइफ and it is usually an extension of a chef hand and this is so because it is the most common knife used for various operational jobs and like such as chopping, slicing and length of this blade is usually 8 to 12 inches in ke jo ek multipurpose use ke liye jo chef knife ko use kiya jata hai। next one is the paring knife। paring knife is also known as fruit knife।
यूज फॉर स्मॉल जॉब्स लाइक पेयरिंग ऑफ एप्पल्स, मेक वेजेस ऑफ लेमन एट्सेट्रा, एंड इट साइजेस 3 to 4 inches. यानी कि पेयरिंग करने के लिए आपको सिर्फ फ्रूट्स वगैरह कुछ बहुत ही लाइट यूज के लिए इसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन इज द टॉन नाइफ, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द बर्ड ब्रिक नाइफ. यानी कि बहुत ही नुकीला, जैसे किसी बर्ड की जो चोंच होती है उसके जैसी बहुत एक पेनी या फिर नुकीली टाइप की जो उसकी है ब्रीड होती है, चोंच होती है इस नाइफ की. विच इज सेम साइज एज दैट ऑफ ए पेयरिंग नाइफ. यानी कि उसका जो साइज होता है वो बिल्कुल आपके जो पेयरिंग नाइफ है उसके जैसा होता है. बट डिफरेंस इसमें सिर्फ ये होता है, जो कटिंग ब्लेड होता है ना स्लाइटली कर्व्ड होता है. यानी कि जो आपकी वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनको एक बैरल शेप देने के लिए जो इसको कर्व जो शेप दी जाती है इसकी ब्लेड को. नेक्स्ट वन इज़ द बोनिंग नाइफ. बोनिंग नाइफ एज यू नो इट हैज़ बोनिंग नाइफ हैज़ ए थिनर एंड शॉर्टर ब्लेड देन ए शेफ नाइफ, एंड विच इज़ यूज टू कट मीट अवे फ्रॉम द बोन. यानी कि उसको बोन को जो है सेपरेट कर दिया जाता है मीट से. हील ऑफ द नाइफ इज स्लाइटली कर्व्ड सो दैट द नाइफ कैन रेस्ट ऑन द बोन वेल्स डीबोनिंग. यानी कि उसके जो आपके एक जो स्लाइटली जो कर्व्ड होती है उसमें एक कुछ मतलब ग्रिप बनाने के लिए जब आप उसको मीट को जो है डीबोनिंग कर रहे होंगे. नेक्स्ट वन इज़ द फिलेटिंग नाइफ. फिलेटिंग नाइफ इज सिमिलर टू बोनिंग नाइफ बट देर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस दैट इट हैज़ अ फ्लेक्सीबल ब्लेड फॉर द ईज ऑफ फिलेटिंग ए फिश. यानी कि किसी भी फिश को फिलेट, ये बेसिकली जो फिश के लिए यूज़ किया जाता है एंड बहुत एक फ्लेक्सीबल जो ये ब्लेड होता है इसका. सो इट इज़ यूज फॉर द ईज ऑफ फिलेटिंग ए फिश. नेक्स्ट वन इज़ द ब्रेड नाइफ. ब्रेड नाइफ इज ए लॉन्ग सीरेटेड नाइफ यूज टू स्लाइस ब्रेड और स्पंज केक. एंड इट द ब्लेड इज़ यूजली लाइक 12 to 15 inches लॉन्ग. जो उसकी लेंथ होती है 12 to 15 inches होती है. नेक्स्ट वन इज़ द कार्विंग नाइफ. कार्विंग नाइफ इज वे हैव अ वेरी थिन ब्लेड एंड इट इज़ यूज फॉर द कार्विंग कुक्ड मीट्स और बिग जॉइंट्स ऑफ रोस्ट ऑन द बुफे. यानी कि जो बुफे में जो आपका जो मीट है उसको रोस्ट किया जाता है, उसके बिग जो जॉइंट्स होते हैं उनको कट करने के लिए जो है उसकी जो कर्व करने के लिए इस नाइफ का जो है यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द क्लेवर. क्लेवर इज़ मोस्टली यूज इन द चाइनीज किचन फॉर द कटिंग एंड चॉपिंग. इट हैज़ अ लार्ज वाइड ब्लेड एंड इज़ हैवियर देन ए शेफ नाइफ. क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इसका जो साइज़ देखोगे ना वो आपको एक जो शेफ का नाइफ होता है उससे आपको कुछ ज़्यादा ही इसकी जो लेंथ होगी और इसकी जो थोड़ी हैवीनेस होगी वो आपको उससे ज़्यादा देखने को मिलेगी. इट दिस इज़ ए मल्टीपर्पज़ नाइफ बिकॉज इट ऑल्सो यूज एज मैलेट. मैलेट मतलब एक काइंड ऑफ हथौड़े की तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू फ्लैटन ए पीस ऑफ जिंजर बिफोर चॉपिंग. यानी कि जिंजर और गार्लिक को जब हम चॉप करने से पहले उसको थोड़ा सा जो है थोड़ा मतलब प्रेस करते हैं इस क्लेवर नाइफ की हेल्प से, उसके बाद जो उसकी जो चॉपिंग होती है वो बहुत ईजी हो जाती है करने. नेक्स्ट पैलेट नाइफ. पैलेट नाइफ इज नॉट ए नाइफ बिकॉज इट इज़ यू वेरी फ्लेक्सीबल स्पैचुला टाइप एंड विच हैज़ अ राउंडेड टिप एंड इज़ यूज इन द कन्फेक्शनरी टू डेकोरेट द केक्स. यानी कि कुछ जो केक्स होते हैं उनको शेप देने के लिए या फिर कुछ डेकोरेशन पर्पज़ के लिए जो है इस नाइफ का यूज़ किया जाता है. कटिंग पर्पज़ के लिए जो इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता है. सो गाइज मैं आपको अभी जो है नाइफ की जो है एक वीडियो शो करती हूँ, उससे आपको जो है ईजिली आप जो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नाइफ किस साइज़ के होते हैं, किस शेप के होते हैं.